जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सभी प्रत्याशी व संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र रालौद के संभावित प्रत्याशी मुकेश डागुर के नेतृत्व में तहसील क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ ग्रामीण उपस्थित हुए। बताते चले कि मुकेश डागुर फतेहपुर सीकरी विधानसभा चुनाव से रालौद के संभावित प्रत्याशी हैं। तहसील क्षेत्र में आयोजित हुए ट्रैक्टर रैली में मुकेश डागुर के चहेतों का जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर पर हजारों की संख्या में ग्रामीण सवार थे। ग्रामीणों द्वारा लगातार राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, मुकेश डागुर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं ग्रामीणों द्वारा जगह जगह मुकेश डागुर का स्वाफा व फूल माला पहना कर स्वागत किया गया। ये किसान इंकलाब यात्रा है और इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है, किसानों में और गाँव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। इस उद्देश्य को लेकर गांव गांव घर घर हम इस यात्रा को लेकर जाने वाले हैं। आज इस यात्रा में फतेहपुर सीकरी विधानसभा के करीब 500 ट्रैक्टर और 2500 किसानों ने भाग लिया है। ये यात्रा चुनावों तक निरंतर जारी रहेगी और गांव गांव जाएगी, घर घर जाएगी। किसान जाग चुका है और वो बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। गांव में बदलाव की बयार है। आने वाले वक्त में 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी, इस बार किसानों की सरकार बदलेगी। देखिए ये मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये निर्णय हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत जी का है। वो जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे, हम तो आज एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आए हैं और हजारों किसान एक कार्यकर्ता के रूप में आज किसान की आवाज़ को उठाने के लिए आया है। आने वाले वक्त में अगर जयंत चौधरी जी हमें इस लायक समझते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं तो फतेहपुर सीकरी की जनता ने तो फैसला कर ही दिया है। आने वाला वक्त किसानों का होगा, राष्ट्रीय लोकल का। R9 भारत के लिए राजकुमार की रिपोर्ट किरावली से।